मतलब एक दूसरे की तरफ देखिए और बोले आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, और दूसरे की तरफ देखिए अपने पड़ोसी हैं, आप बहुत अच्छे मुस्कुराते हैं। बिल्कुल, जब हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति में आते हैं वहाँ आनंद की भरपूर है, और जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं हमें मुंह लटकाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। जब हम उसके पास हैं वह हमारा प्रेमी परमेश्वर है, वह हमसे मिलता है, तब जब उसकी उपस्थिति में आते हैं हमें आनंदित रहना चाहिए। हालेलुया। ठीक है, हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और उस प्रेमी यीशु के नजदीक आए। प्यारे यीशु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए हम आपको बहुत सराहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद, हम मिट नहीं गए, आपकी महान करुणा है, आपकी दया अमर है जो हर दिन हम पर नई हो जाती है प्रभु। धन्यवाद, आज के जब हम आज के इस दिन में प्रवेश किए सब कुछ नया है। हम जो सांस ले रहे हैं वो सांस नया है, हम जो चल फिर पा रहे हैं, हमारे भीतर जो स्वास्थ्य है वो नया है, हमारे भीतर आनंद करने का विषय नया है। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं और प्रभु हम आपको सराहते हैं क्योंकि आप इस योग्य हैं, आप महान परमेश्वर हैं और हमारे मांगने से बढ़कर देते हैं, हमारे सोचने से कई अधिक देते हैं। हम इस बात के लिए आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हमसे इतना प्रेम करने के लिए, हम आपको महिमा देते हैं। जब हम तेरी उपस्थिति में आए हैं, हम जब तेरे गीतों को गाना चाहते हैं, तेरे बातों में से सुनना चाहते हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। हम और तुझे चख सके, हम और तुझे छू सके, हम और तुझसे भर सके, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें खाली कर दीजिए हर एक चिंताओं से, हर एक प्रकार की फिक्र से, हर एक प्रकार के व्यर्थ के उलझनों से, और इस वक्त हमें भर दीजिए अपने आप से। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, आमेन। सबको प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप लोग? एक दूसरे की तरफ देखिए और बोले आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, और दूसरे की तरफ देखिए अपने पड़ोसी हैं, आप बहुत अच्छे मुस्कुराते हैं। बिल्कुल, जब हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति में आते हैं वहाँ आनंद की भरपूर है, और जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं हमें मुंह लटकाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। जब हम उसके पास हैं वह हमारा प्रेमी परमेश्वर है, वह हमसे मिलता है, तब जब उसकी उपस्थिति में आते हैं हमें आनंदित रहना चाहिए। हालेलुया। ठीक है, हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और उस प्रेमी यीशु के नजदीक आए। प्यारे यीशु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए हम आपको बहुत सराहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद, हम मिट नहीं गए, आपकी महान करुणा है, आपकी दया अमर है जो हर दिन हम पर नई हो जाती है प्रभु। धन्यवाद, आज के जब हम आज के इस दिन में प्रवेश किए सब कुछ नया है। हम जो सांस ले रहे हैं वो सांस नया है, हम जो चल फिर पा रहे हैं, हमारे भीतर जो स्वास्थ्य है वो नया है, हमारे भीतर आनंद करने का विषय नया है। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं और प्रभु हम आपको सराहते हैं क्योंकि आप इस योग्य हैं, आप महान परमेश्वर हैं और हमारे मांगने से बढ़कर देते हैं, हमारे सोचने से कई अधिक देते हैं। हम इस बात के लिए आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हमसे इतना प्रेम करने के लिए, हम आपको महिमा देते हैं। जब हम तेरी उपस्थिति में आए हैं, हम जब तेरे गीतों को गाना चाहते हैं, तेरे बातों में से सुनना चाहते हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। हम और तुझे चख सके, हम और तुझे छू सके, हम और तुझसे भर सके, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें खाली कर दीजिए हर एक चिंताओं से, हर एक प्रकार की फिक्र से, हर एक प्रकार के व्यर्थ के उलझनों से, और इस वक्त हमें भर दीजिए अपने आप से। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, आमेन। We'll be right back.
अकेला रहता हूँ तब शायद ज़्यादा उदासी महसूस होती है क्या है? हाँ, जब हम अकेले रहते हैं तब हम ज़्यादा उदास महसूस करते हैं और हमारा मुँह लटक जाता है। लेकिन जब मैं सोचता हूँ यीशु मसीह के बारे में तो कोई बात अचानक से आते मुझे बहुत उत्साहित करती है। ऐसा होता है क्या आप लोगों को? कभी कभी हम चल रहे होते हैं, अचानक से कोई बात आई और अचानक से हम हंस देते हैं और हमको लगता है कि लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। भाई उज्ज्वल, आपको कोई बात ऐसे उत्साहित करती है क्या? आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, जब मैं अकेला होता हूँ और कई बार जब संसार में चलता हूँ तो मुझसे पाप हो जाते हैं और मैं निराश हो जाता हूँ क्योंकि मैं एक बार फिर से गिर जाता हूँ और जब मैं गिरता हूँ तो मैं निराश होता हूँ। लेकिन मैं एक इंसान को देखता हूँ, एक ऐसे व्यक्तित्व को देखता हूँ जो मुझे उत्साहित करता है और वो ऐसे खड़े रहता है हमेशा। और जब भी मैं यीशु को ऐसे खड़े हुए देखता हूँ, मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं। वो तकलीफ वाले आंसू नहीं रहते, वो खुशी का आंसू रहते, क्योंकि जब मैं यीशु को ऐसे देखता ना, वो मुझे ऐसे करके गले लगाने के लिए हमेशा खड़ा रहता। चाहे मैं जैसा भी कितना पाप क्यों नहीं कर देता हूँ, लेकिन वो मुझे स्वीकार करने के लिए हमेशा खड़ा रहता। और ये बात मुझे काफी उत्साहित करता हूँ। मैं भले रोता हूँ लेकिन मैं आनंद से भर जाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो जब भी आपको उदास महसूस हो, बिल्कुल भाई उज्जवल के जैसा आप यीशु मसीह को देखिए और जब भी आप उसको देखेंगे आप आनंदित महसूस करेंगे। हालेलुया। कुछ बात जब मैं हाल फिलहाल में पढ़ रहा था और एक बात जो लिखी हुई थी, मुझे बहुत मजा आया पढ़कर कि परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। और पता है वो दुनिया कौन है? हम और आप ही वो दुनिया है। और उसने हमसे और आपसे इतना प्रेम किया कि अपने आप को दे दिया। आइए हम लोग उसकी महिमा करते हुए गीत में से गाएं जिसके बोल हैं, यीशु ने हमें छुड़ाया है किसके जाल से? पापों के जाल से। Pappu ki jaan se.
कर लिया, गला भी साफ कर सकते हैं, फंस गया होता। 1 2 3 ठीक है, देखते हैं आप लोग आवाज ज्यादा है कि हम लोग आवाज ज्यादा है। ठीक है, अच्छा बिना माइक का आप लोग समझदार है। अच्छा 1 2 3 बोलने दीजिए। 1 2 3 अब चलिए आप लोग की बारी। 1 2 3 इस वक्त हम लोग अपने स्थानों में बैठ जाएं और इस वक्त हम लोग एक एक्शन सॉन्ग देखेंगे। हो सकता है आप लोग जानते हैं, कितने लोग जानते हैं बोझ को। We'll be right back.
वो डॉक्टर है, वो आपके हृदय को चंगा कर देगा। यदि आपका प्राण अकेला है, वो आपका साथी बनकर आपके पास आ जाएगा, वो आपके लिए हाजिर है। आइए उसकी जय जयकार करें, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। मेरी सूरत में मेरी दी मेरा दिल पाता दी।
विश्वासियों के परमेश्वर प्रभु धन्यवाद। वचन इस बात को बताता है कि हमारे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से जानता ना। प्रभु हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें आगे पीछे घेर रखा है, चाहे मैं आसमान में चढ़ू चाहो चाहे मैं अधोलोक में उतर जाऊं तब भी तू वहां रहता है, तुझे संभालने को मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु दाऊद इस बात को कहता है कि जब मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरता हूं तू मेरे साथ रहता है, तो अपनी लाठी और अपने छड़ी से मुझे सुरक्षा देता है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु हम कैसे तेरा जय जयकार न करें क्योंकि तू इस योग्य है, तू हमारे मन से बढ़ कर देता है, तुम्हारे सोचने से अच्छा मर ले करता है, हम कैसे तेरा जय जयकार न करें, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तुझे सराहते हैं। आइए फिर से अपनी आवाज उठाए और उसका जय जयकार करें, उसको तारीफ दे। जब हमें कोई कुछ देता है हम उसे धन्यवाद कहते हैं। यीशु ने हमें हमारे लिए बहुत कुछ दिया है, उसने अपनी जान दे दी है। वचन इस बात को बताता है उसने हमारे लिए कुछ रखना छोड़ा, सब कुछ दे दिया है। आइए हम उसकी जय जयकार करें। विचारों को अपनी लालसाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं।
और कहते हैं सुन, तू योग्य परमेश्वर है, हमारी जय जयकार के योग्य है, तू धन्य है, तू पवित्र परमेश्वर है, तू पापियों से प्रेम करता है, तूने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया है, पर हमारे पापों को जैसा पूरा पश्चिम से दूर है वैसे ही हमारे पापों को हमसे हटा कर दूर कर दिया है, तू उनका लेखा नहीं लेता, पर तू हमें बार बार गले से लगाता, बार बार गले से लगाता, बार बार गले से लगाता, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, तू हमारे आंख आंसुओं को अपनी कुप्पी में इकट्ठा करके रखते हैं, वो तेरे लिए अनमोल है, हम धन्यवाद करते हैं, लोग उसका मूल्य नहीं समझ सकते पर तू उसका मूल्य जानता है, तूने जमा करता है, तूने हमारे चित्र को अपने हाथों पर खोद कर बनाया है और हम निरंतर तेरी आंखों के सामने रहते हैं, तूने हमें अपनी आंखों के पुतली कहा है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रभु हम कैसे तेरा जय जयकार न करें, हम कैसे तेरी महिमा न करें, तू योग्य है, तू महिमा के योग्य है, तू आदर के योग्य है, प्रभु जब से हमने तुझे चखा है हम एडिक्टेड हो गए तेरे लिए, यस जब से हमने तेरी मांस में से खाया है हम तेरी देह में तेरी देह का हिस्सा होना चाहते हैं, जब से हमने तेरे लहू में से पिया है हम तेरा बन जाना चाहते हैं, प्रभु हमें एडिक्टेड हो गए हैं तुझसे, प्रभु हम और दिख तुझे पाना चाहते हैं, हम और दिख तुझे पाना चाहते हैं, हमें और दिख शामिल कर, हमें और दिख अपने आप को हम पर प्रकट कर, हम तेरी स्तुति करते हैं, तू तारीफ के योग्य है, आइए प्रभु एक आखिरी बार इस बात को गाएं, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, धन्यवाद एक दोस्त से ज्यादा परवाह करने के लिए, तेरी देह का हिस्सा होना चाहते हैं, जब से हमने तेरे लहू में से पिया है
हम तेरा बन जाना चाहते हैं प्रभु, हमें एडिक्टेड हो गए हैं तुझसे प्रभु, हम और दिख तुझे पाना चाहते हैं, हम और दिख तुझे पाना चाहते हैं, हमें और दिख शामिल कर, हमें और दिख अपने आप को हम पर प्रकट कर, हम तेरी स्तुति करते हैं, तू तारीफ के योग्य है। आइए प्रभु एक आखिरी बार इस बात को कहें, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। धन्यवाद एक दोस्त से ज्यादा परवाह करने के लिए। मेरा नाम सुमित्र रातिक है, मैं लातेहार का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पर फिलहाल कोकर में रह करके अपना तैयारी कर रहा हूँ। मेरी गवाही पुरानी बहुत पहले समय की है, जब मैं संसार में अपने जीवन को दीदा था और जब प्रभु को नहीं जानता था, मैं बहुत खराब सा लग जाता था। इसी प्रकार जैसा आज दादा बता रहे थे कि किस प्रकार से डाकू ने एक मनुष्य को अथी करके मारा गया, उसी प्रकार मेरा भी लाइफ था, पूरा टूटा हुआ बिखरा हुआ मरा हुआ सा जिंदगी था, जिसमें कोई खुशी आने नहीं था, ना कोई किस था ना कोई शांति था। मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता था, बट जिधर मेरा शरीर बोलता था उधर ही मैं चलता था, उधर ही मैं जाता था, मुझे नहीं पता था। बट परमेश्वर का धन्यवाद, मैं उस खुदावंत का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर अद्भुत है और अद्भुत कामों करने वाला है। उस समय मेरे साथ एक ऐसा घटना हुआ कि मेरे जिसमें एक प्रॉब्लम था, बीमारी था, और वो सांस का प्रॉब्लम था, अस्थमा था। मैं किसी से इन बातों को शेयर नहीं करता, पापा उन्हीं से शेयर करता, वही लोग कहते थे कि इन्हेंदर ले लो, ये सब दवा हुआ थोड़ा सा चेकअप करवा। तो मैं जब प्रभु में आया तो मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा परमेश्वर ठीक करेगा, और मैं माँ बाबा जो से बोल रहा था कि मैं ठीक हो जाऊँगा, वो इससे ठीक होगा बोल रहा था। जब प्रभु में चलने लगा, प्रभु के साथ बढ़ने लगा और यहाँ पर संगति करता था दादा के साथ, बहुत सारी बातों को सीखने को मिला, लेकिन उससे भी बढ़कर ज़्यादा मुझे जो मिला वो परमेश्वर का वचन के साथ, जो मेरी वजह सिर्फ मैं परमेश्वर के वचन के साथ आया। तब मैं परमेश्वर के वचन के रहस्य को मैं जब समझने लगा जानने लगा, तो मेरी हर एक प्रॉब्लम खुद ब खुद जाने लगी। मुझे किसी से बोलने की जरूरत नहीं पड़ा, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ा, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, वो सब मेरा शरीर को छोड़ जा रहा था। इवन यहाँ तक कि सांस की जो प्रॉब्लम थी वो भी आज भविष्य दूर हो चुकी है। मैं सीढ़ी में भी नहीं चढ़ पा रहा था सही से, थ्री फ्लोर तीन तदा तक सीढ़ी में भी मैं नहीं चढ़ पा रहा था। आज मैं सब कुछ करता हूँ, दौड़ता भी हूँ, रन भी करता हूँ, चढ़ भी सकता हूँ और परमेश्वर की महिमा कर भी सकता हूँ। और जिन लोगों के बीच में मैं तुच्छ गिना था, वहाँ पर मेरा परमेश्वर मुझे खड़ा किया, परमेश्वर को धन्यवाद।
मेरा नाम सुमितन रातिका है, मैं लातेहार का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पर फिलहाल कोकर में रह करके अपना तैयारी कर रहा हूँ। मेरी गवाही पुरानी बहुत पहले समय की है, जब मैं संसार में अपने जीवन को दिखता था और जब प्रभु को नहीं जानता था, मैं बहुत खराब सा लग जाता। इसी प्रकार जैसा आज दादा बता रहे थे कि किस प्रकार से डाकू ने एक मनुष्य को अथी करके अधमारा गया छोड़, उसी प्रकार मेरा भी लाइफ था, पूरा टूटा हुआ बिखरा हुआ मरा हुआ सा जिंदगी था, जिसमें कोई खुशी आनंद नहीं था, ना कोई किस था ना कोई शांति था। मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता था, बट जिधर मेरा शरीर बोलता था उधर ही मैं चलता था, उधर ही मैं जाता था, मुझे नहीं पता था। बट परमेश्वर का धन्यवाद, मैं उस खुदावंत का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर अद्भुत है और अद्भुत कामों करने वाला है। उस समय मेरे साथ एक ऐसा घटना हुआ कि मेरे जिसमें एक प्रॉब्लम था, बीमारी था, और वो सांस का प्रॉब्लम था, अस्थमा था। मैं किसी से इन बातों को शेयर नहीं करता, पापा उन्हीं से शेयर करता, वही लोग कहते थे कि इन्हेलर ले लो, ये सब दवा हुआ थोड़ा सा चेकअप करवा। तो मैं जब प्रभु में आया तो मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा परमेश्वर ठीक करेगा, और मैं माँ बाबा से बोला था कि मैं ठीक हो जाऊँगा, पूरी से ठीक होऊंगा बोला था। जब प्रभु में चलने लगा, प्रभु के साथ बढ़ने लगा और यहाँ पर संगति करता था दादा साथ, बहुत सारी बातों को सीखने को मिला, लेकिन उससे भी बढ़कर ज़्यादा मुझे जो मिला वो परमेश्वर का वचन के साथ, जो मेरी वसन सिर्फ मेरे परमेश्वर वसन के साथ आया। तब मैं परमेश्वर के वचन के रहस्य को मैं जब समझने लगा, जानने लगा, तो मेरी हर एक प्रॉब्लम खुद ब खुद जाने लगी। मुझे किसी से बोलने की जरूरत नहीं पड़ा, किसी को कहने का जरूरत नहीं पड़ा, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, वो सब मेरा शरीर को छोड़ जा रहा था। इवन यहाँ तक कि सांस की जो प्रॉब्लम थी वो भी आज थोड़ी सी दूर हो चुकी है। मैं सीढ़ी में भी नहीं चढ़ पा रहा था सही से, थ्री फ्लोर तीन तदर तक सीढ़ी में भी मैं नहीं चढ़ पा रहा था। आज मैं सब कुछ करता हूँ, दौड़ता भी हूँ, रन भी करता हूँ, चढ़ भी सकता हूँ और परमेश्वर की महिमा कर भी सकता हूँ। और जिन लोगों के बीच में मैं तुच्छ गिना था, वहाँ पर मेरा परमेश्वर मुझे खड़ा किया, परमेश्वर के लिए। Happy birthday and God bless you. ठीक है? 1, 2, 3. यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता, हम प्रार्थना करते हैं ये इनकी
एक-एक की गवाही की वजह से बहुत से लोग आपको जान नहीं पाए, इनका जीवन पिता दूसरों के लिए आशीष का कारण बने पाए प्रभु, इनके माता पिता इनकी वजह से गर्व करने पाए प्रभु। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन और इनके कार्यों के द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने पाए पिता, आपका नाम ऊंचा किया जाए प्रभु। हाँ पिता, इन लोगों के लिए हम हर एक प्रकार की आशीषों को मांग लेते हैं यीशु के नाम से। पिता, हर एक एरिया में आप इन लोगों को ब्लेस करिए, इनके रुके हुए काम बनने पाए यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं जो भी काम ये लोग करते हैं, जिस भी काम में ये लोग हाथ लगाते हैं, उस काम में ये लोग सक्सीड होने पाए प्रभु। पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, आप उन्हें ब्लेस करिए। पिता, हर एक क्षेत्र में आप इन्हें ऊंचा उठाइए, आप इन लोगों के संग और साथ हो लीजिए प्रभु, और ये वर्ष इनके लिए पिता अद्भुत आशीर्वादों का वर्ष होने पाए पिता। ये सारी आशीषों की घोषणा आज हम सब मिलकर इनके ऊपर करते हैं प्रभु, और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसा कर दिया है। आदर महिमा आपको देते हैं, इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे प्रभु जी, हम आपके चरणों के सम्मुख आते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं पिता कि 2 महीने तक आपने हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है प्रभु। मंथ एंड तक आपने हमारी हर एक कार्य में सहायता प्रदान की, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। पिता, जब हम नए महीने में प्रवेश करते हैं, होने दीजिए पिता आने वाले महीने में पिता हम और भी पिता आप में आपके प्रेम में गहराई में उतरने पाए प्रभु। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आत्मिक रीति से हम और भी आगे बढ़ने पाए पिता, हम सबसे पहले आपके धर्म और राज्य की खोज में लग जाने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं ये नया मंथ हमारे लिए आशीष को लेकर आए, हमारे लिए छुटकारे को और बदलाव को लेकर आने पाए प्रभु। पिता, यहाँ पर मौजूद हर एक लोग जो पिता आज का वचन को सुने हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के जीवन में पिता वो वचन कार्य करे प्रभु। पिता, हम प्रार्थना करते हैं भाई अभिषेक के लिए भी प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आज उनके द्वारा आपने बहुत सी बातों को प्रकट किया प्रभु। हम उन्हें उनकी फैमिली को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं, हम उनके कार्यों को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें और भी ऊंचा उठाइए पिता, और भी अपने भेद की बातों से ज्ञान से आप उन्हें भर दीजिए प्रभु। पिता, जितने भी लोगों ने अपने हाथों को बढ़ाया और भेंट को दिया है, हर एक हाथों को हम ब्लेस करते हैं पिता, ये भेंट आपके सम्मुख ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु, और आपके राज की बढ़ोतरी के लिए उपयोग में आने पाए पिता। पिता, हम हर एक हाथ जिन हर एक मुट्ठी जो खुली है पिता आपके लिए भेंट को चढ़ाने के लिए, हर एक को हम ब्लेस करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोगों ने अपनी कमी घटी में से दिया है पिता, आज के पास उनके परिवार में उनके घर में किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए प्रभु, हर एक को आप ब्लेस करिए, हर एक के संग साथ हो लीजिए पिता। जब हम वापस अपने घरों की ओर जाएंगे, सुरक्षित अपने घरों तक पहुँचने वाले हो सके ऐसा आप अनुग्रह करिए पिता। पिता, हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता, सारी बातों में हम आपके नाम को ऊंचा उठाते, सारी बातों में आपको आदर आपको महिमा देते, इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अनुग्रह वचन एक साथ बोलेंगे, आप सभी को प्रेज द लॉर्ड।